ओम शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का नाम है दूसरों के काम को कभी भी छोटा नहीं समझना। एक बड़े शहर में एक गैरेज था, वहां पर एक अब्दुल नाम का भाई मैकेनिक का काम करता था। जो भी लोग आते थे उनकी गाड़ियों को ठीक करता था, सर्विसिंग करके देता था। स्वभाव से अच्छा था, पर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो अपने काम को बड़ा समझता था और बाकियों के काम को छोटा काम समझता था। एक बार एक हार्ट का डॉक्टर सर्जन अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने आया। गाड़ी की सर्विसिंग करते करते अब्दुल ने सर्जन को कहा, आपको पता है आपका और मेरा काम एक जैसा है। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा वो भला कैसे? बोला, देखो ये जो इंजन है ना, वो मोटर का दिल है, तो मैं इसके सारे पार्ट्स खोलता हूँ, उसको ठीक करता हूँ, फिर उसको जोड़ता हूँ। आप भी तो वही काम करते हो। तो डॉक्टर मुस्कराया, बोला, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब्दुल ने उसको कहा, लेकिन आप इतना ज्यादा कमाते हो और मैं इतना कम कमाता हूं, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर ने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि तुम चलते हुए इंजन को ठीक कर सकते हो, पार्ट्स खोल सकते हो, ठीक कर सकते हो, वापस जोड़ सकते हो। अब अब्दुल शर्मा गया, उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। जीवन में याद रखें, हम अपने काम को बड़ा समझें वो कोई बड़ी बात नहीं, पर दूसरे के काम को कभी भी छोटा नहीं समझना है। हर काम की अपनी अपनी महत्वता होती है, उसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है और उनके गहराइयों को समझकर हर एक को रिस्पेक्ट देना, स्नेह देना, सम्मान देना बहुत जरूरी है। ओम शांति।